वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इतनी गर्मी में तकरीबन छः शर्टें प्रेस की हैं, तो तकरीबन छः शर्टों को प्रेस करना कोई छोटी बात नहीं है। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआ से। टाइम हो जा रहा है 5:41 PM। तो गाइस आज लोग लेट बनाने का रीज़न ये है कि आज मैं थोड़ा अपने काम में बिजी था स्टिचिंग को लेके, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे, उसके लिए माजत है। बस अभी सोचा कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो जाए क्योंकि रह न जाए। तो कोशिश तो यही है कि दिन में एक से दो, दो से तीन वीडियोस मैं डालूं, लेकिन क्या है कि एक तो गर्मी बहुत है, दूसरा गाइस बाहर जाने का वक्त तब ही मिलता है जब आदमी फ्री हो। तो घर के कामकाज को लेके इतना यानी कि मसरूफियत हो जाती है कि इधर उधर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह कोशिश की है, वादा भी करता हूँ हर वीडियो में कि आने वाले टाइम में एकदम से एक से एक बढ़कर वीडियो इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी फालसे का जूस बन रहा है, जूस पीते हैं। रात को बच्चों को लेके गया था पार्क में, पार्क में इन्होंने हल्ला गुल्ला किया। तो अभी आपको दिखाता हूँ ताहिर साहब जो है जूस बना रहे हैं। तो जूस बनकर रेडी हो चुका है फालसे का। ठीक है जी, गर्मी बहुत है, बारिश का असर कुछ नहीं हुआ, बारिश पड़ी है लेकिन उसका असर कुछ नहीं हुआ। वो तो बारिश भी एक मजाक था, मौसम फिर वैसा के वैसा गर्म हो चुका है। तो ठीक है फिर पीते हैं जूस, उसके बाद बात करते हैं आप लोगों से। इधर को झगड़ा करने का बहुत शौक है गाइस, मैं आपको बताता चलूँ। ये बदतमीज़ बच्चा हर किसी के साथ झगड़ा करता है और मार पिटाई करता है। ये कभी मेरे बेटे के साथ शुरू हो जाता है शाहजीम के साथ, और कभी साहिल के साथ शुरू हो जाता है, अपने से बड़ों बड़ों के साथ ये पंगे लेता है। ये बहुत बड़ा गुंडा है, गुंडा। और रात को पार्क में भी इसने जाना है और उधर जाके भी भाई के साथ इसने झगड़ा करना है। तो नीली जो आपने लास्ट वीडियो देखी उसमें भी रात का टाइम था, वीडियो अच्छी नहीं बन सकी क्योंकि लाइट वगैरह नहीं थी उसमें, तो उसमें भी इन्होंने रात को बहुत फाइट की है। तो अभी भी ये साहिल के साथ लगा हुआ है, इसका दिल कर रहा है मारूँ भी और मार खाऊँ भी। तो बाबा मेरी तो ये अपने आ गए जी, अब शाहजीम और दोनों आपस में इज़न जो है झगड़ा करने की कोशिश, फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इनको समझा सुलझा बुझा रहा हूँ। तो लाख समझाने के बावजूद बच्चे बाज नहीं आते, फिर चोट लगती है और फिर इनका रोना रोना बहुत समझाना इनको बहुत मुश्किल हो जाता है। ओ गुड, अब किसादर आई है और मेरे बैक साइड पे नेक पे जो है ना बर्फ़ डाल के चली गई है। ठीक है, और दोबारा फिर चांस लेने के लिए आई थी। ओए इंसान बनो, आजा बेटा आजा, अब तू भी आजा, बस करो। अबू मना कर रहे हैं ना, अबू से पिटाई करवानी है। और आज किसान ने हमें अंकल पठान बना दिया है और पता नहीं इनको क्या हो गया है। आज पकड़ी गई, मेरे हाथ में बर्फ थी और इसके हाथ में अब बर्फ लग रही है, अब इसको टेंशन हो रही है। नहीं तो ये हाथ इतने खूबसूरत है, मैं क्या करूं? हाँ जी हाँ बिल्कुल, पानी से मुंह धो के दे। हाँ बताओ किसाई दे गाइस मेरे को। हेलो, तो ये है पीर हसनैन शाह का बेटा साहिल, सबसे छोटा, अपने कंडी वाले इमाम बारगाह वाली साइड पे ये लोग रहते हैं। वो कंडी वाले नहीं, हाँ अली से इमाम बारगाह। तो बेटा उसे हम कंडी वाले ही बोलते हैं ना। वैसे क्यों? वैसे ही बचपन से लेके आज तक हम यही सुनते हैं कंडी वाले। चलो फिर ये भी कंडी वाला।
ये देखें, ये तो गुंडा है ना। गुंडा बदमाश। ये देखें, मैं इतना मारूंगा ना। ये देखें गुंडा अपने शर्ट खोल के फिर रहा सुबह का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सोने का बड़ा करम बड़ा फजल है कि उसने हमें हजार नेमतों से नवाजा है। जितना शुक्र अदा करो उतना कम है फालसे का। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इज़न अब्बास ने अपनी मामा के साथ किया है झगड़ा और मामा ने मारा है थप्पड़ इज़न ने अपनी मामा को और मामा ने फिर इज़न को मार के थप्पड़ स्टोर में बंद कर दिया। बहुत हल्ला गुल्ला हुआ है, बड़ी मुश्किल से इसको बचा कर लेकर आए हैं हम लोग, क्योंकि ये बच्चा जो है ना इसने बहुत गलत हरकत की है मामा पे हाथ उठाने वाले, लेकिन बोलता है कि ताया अबू मैं आज अपनी मामा से सॉरी कर लूँगा। सॉरी कर लोगे ना, आज के बाद ये बेटा हरकत नहीं करेगा, क्योंकि माँ बाप पे तो कोई हाथ नहीं उठाता है ना बेटे। कितनी बुरी बात है। क्या हुआ, क्या था? हाँ तो बात क्या हुई थी जी? ये कह रहा था जी मैंने अपनी पुप्पो के घर जाना है तो मामा ने मना कर दिया, फिर इसने अपनी मामा को थप्पड़ मारा, मामा ने गुस्से में आके इसको थप्पड़ मार के स्टोर में बंद कर दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है बेटे, आज के बाद हाथ नहीं उठाना, ठीक है ना? वेरी गुड।